आज हम बात करें गाइस पेनी स्टॉक के बारे में। इस नाम को सुनते ही हर लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, विच इज लिखा था कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया डालो तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा लिखा है ला बबला। अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे, ये ले मेरा 10 लाख तेरे को दे देता हूँ। मुझे अभी भी याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, विच इज द कंपनी आई थिंक सनवरिया या फिर सावरिया, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस कंपनीज नेम, बट इस स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया था 2017 में और तब इसका प्राइस अराउंड 11 या 12 रुपए के आसपास था जब मैंने इन्वेस्ट किया था। एंड कुछ ही दिनों में आई थिंक मैंने ये स्टॉक 20 या 21 रुपए में बेचा था एंड मुझे याद है ऑलमोस्ट मैंने अपना पैसा डबल कर दिया था ये स्टॉक में। बट दोस्तों इट वॉज अ प्योर लक बिकॉज जिस दिन मैंने ये स्टॉक को सेल किया उसी के नेक्स्ट दिन से ये स्टॉक कंटिन्यूसली हर रोज गिरता था। अगर एक दिन में लेट हो जाता ये स्टॉक को सेल करने में तो मैं बस ये स्टॉक में ही पड़ा रहता और मैं फंस जाता बिकॉज वहां पे कोई बायर ही नहीं था वो स्टॉक को लेने के लिए। बिकॉज एक बार मैंने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपना पैसा डबल कर दिया था तो सो मेरा कॉन्फिडेंस हो चुका था भाई स्काई रॉकेट। थोड़े दिन बाद मेरे दोस्त ने आई थिंक मुझे एक कंपनी बताई जिसका नाम था ग्लोबल इंफ्रा करके, कंटिन्यूसली ये स्टॉक भी बढ़ रहा था सो आई थॉट इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए और यहाँ पे मुझे एग्जिट होने का मौका नहीं मिला। वो स्टॉक गिरता ही चला गया। नेक्स्ट कई महीनों तक वो स्टॉक सिर्फ गिरा ही है, लोअर सर्किट पे रोज रहता था वो स्टॉक। और मुझे पता है कि 3 रुपए के भाव में ये स्टॉक को बेचा था और मुझे अप्रोक्स 80% या फिर 90% का लॉस देखने मिला था ये स्टॉक में। सो गाइस इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है एंड इफ यस शुड यू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक और नॉट। So let's find out. Hello guys, my name is Pratik और सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पेनी स्टॉक होता क्या है। So सबसे पहले आते हैं ब्लू चिप कंपनीज, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, बहुत नामचीन कंपनीज रहती है और ये कंपनीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और इन कंपनीज का नाम हर एक की जुबान के रह रहता है और ये कंपनीज बहुत ही अच्छा कर रहती है अपने सेक्टर्स में। उसके बाद आती है लार्ज कैप कंपनीज जिसका मार्केट शेयर 20,000 करोड़ से ज्यादा रहता है और 20,000 करोड़ से कम एंड 5,000 करोड़ से ज्यादा जो कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है वो कंपनीज सब आ जाती है मिड कैप कंपनीज में। और जो कंपनीज 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली होती है उन कंपनीज को बोलते हैं हम स्मॉल कैप। सो यहाँ पे पेनी स्टॉक कहाँ पे है? पेनी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादातर टाइम 500 या फिर 1,000 करोड़ से भी कम रहता है, मतलब ये बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज रहती है जिनके शेयर प्राइस 5, 10, 15, 20 ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए के आसपास होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इन शॉर्ट जो भी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 या फिर 1,000 के रेंज में या फिर उससे भी नीचे है और जिन कंपनीज का स्टॉक प्राइस 30 रुपए से नीचे है, मैक्सिमम 30 रुपीज और उससे नीचे, मोस्टली ये कंपनीज के शेयर प्राइस 5, 10, 15 रुपीज ही होते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होते, इन कंपनीज को हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। और काफी इन्वेस्टर्स को और मेजरली जो बिगनर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में उन लोग को पेनी स्टॉक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है बिकॉज इन लोग को लगता है कि ये जो 5, 10, 15, 20 रुपए वाली कंपनीज है इनके स्टॉक्स प्राइस डबल ज्यादा जल्दी हो सकते हैं कंपेयर टू जो 200, 300, 1,000, 5,000, 10,000 रुपए के स्टॉक प्राइस वाली कंपनी है उनके मुकाबले। और ज्यादातर टाइम जो पेनी स्टॉक होता है वो 5 का 10 होता ही नहीं है बिकॉज वो कंपनी की वो औकात ही नहीं होती। इसके बावजूद जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कई इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लगता है कि पेनी स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं वो लोग भर भर के ये कंपनीज खरीदते हैं और भर भर के लॉस उठाते हैं और इसके शिकार हम भी रह चुके हैं अनफॉर्चुनेट। बट मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको बिकॉज ये मेरी गलती है और मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना करो। एक स्मार्ट पर्सन जो होता है वो क्या करता है, वो दूसरों को खड्डे में गिरते हुए देखकर खुद सावधान हो जाता है कि भाई हमें ये खड्डे में तो नहीं गिरना है एटलीस्ट। हाँ अगर कोई दूसरी गलती करे तो ठीक है बट अगर एक पर्सन को पता है कि भाई ये खड्डे में एक बंदा एक गलती करके गिर चुका है और अगर वो बंदा फिर से वही गलती कर रहा है जो उसे पता है कि एक बंदा कर चुका है और उसके वजह से वो गिर चुका है खड्डे में तो भाई क्या ही बताऊं मैं आपको। एंड गाइस आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि जो पेनी स्टॉक्स बहुत ही चर्चा में रहते हैं एंड नॉर्मली मैसेजेस आते हैं, लिटरली मैसेजेस आते हैं बिकॉज आई डोंट नो हाउ दे गाइज गेट अर नंबर्स बट जो बिगनर्स रहते हैं स्टॉक मार्केट में उनको लिटरली मैसेजेस आते हैं कि भाई ये पेनी स्टॉक बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों में ये पेनी स्टॉक डबल हो चुका है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज ये कंपनी का आउटलुक अच्छा है। एंड अगर आपको भी ये मैसेजेस आ रहे हैं और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं कंपनी तो अच्छी दिख रही है, देन नो एक्सेप्ट दैट यू आर नूब। और इसका रीजन मैं आपको बता दूं, बिकॉज जो ये पेनी स्टॉक्स रहते हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम रहता है, नॉर्मली 500, 200, 300 करोड़ के नीचे रहता है एंड
इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर रहता है, एक ऑपरेटर रहते हैं स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट के शार्क समझ लो आप, और इनका एक ही मकसद रहता है स्टॉक मार्केट में कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को कंगाल किया जाए, भिखारी बना दिया जाए। इनफैक्ट क्या होता है कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये लोग, और कई बार कंपनी के अंदर के लोग भी शामिल होते हैं उसमें, और ये दोनों मिलकर कंपनी में पहले तो अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि 100 करोड़ की कंपनी है, एक पेनी स्टॉक है, और उसमें एक ऑपरेटर ने 20 करोड़ रुपए पहले इन्वेस्ट कर दिए, और जब ये 20 करोड़ कंपनी में इन्वेस्ट हुए ऑपरेटर के द्वारा, तो उसकी वजह से कंपनी के शेयर में पहले से ही हलचल मच गई, कंपनी का स्टॉक प्राइस भागने लगा पहले से। सो इसकी वजह से ये स्टॉक पहले ही हॉट न्यूज बन जाता है, और काफी मीडिया वाले भी ये स्टॉक को बताने लगते हैं अपने टीवी चैनल्स पे। अभी बाजू यही स्टॉक के नाम और मैसेजेस चाहते रहते हैं सब जो नए इन्वेस्टर्स है, और जो पुराने इन्वेस्टर्स है उनको भी ये मैसेज आता है कभी कभी कि भाई ये कंपनी बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रही है, और ये कंपनी का प्रोग्रेस भी अच्छा है, ये कंपनी अच्छा कर भी रही है अपने सेक्टर में, और उसी वजह से आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी वजह से जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं और जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं रहता स्टॉक मार्केट में, वो लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं ये स्टॉक में, और साथ साथ में ये जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो भी थोड़ी बहुत बाइंग करते रहते हैं, बिकॉज स्टॉक का प्राइस और ऊपर ऊपर जाते रहे। एंड एक टाइम आता है जब ये स्टॉक बहुत ज्यादा पंप हो चुका है ऑलरेडी, और अभी जो ऑपरेटर रहता है वो पूरे शेयर्स अपने सेल करके वो स्टॉक को छोड़ के चले जाते हैं, और ये देखकर सभी लोग, जितने भी लोग इस शेयर में इन्वेस्टेड थे, वो सभी लोग सेल करने के लिए भाग रहे हैं स्टॉक, और सामने कोई बायर है ही नहीं, और इसी वजह से ये स्टॉक नीचे ही चले जाते रहेगा जब तक कोई बायर नहीं आ जाता ये स्टॉक को बाय करने के लिए। एंड यस गाइस, जैसे ही मैंने आपको बताया कि यस हम भी इसमें शिकार हो चुके हैं, एंड और भी थोड़ी बहुत गलतियां की हैं स्टॉक मार्केट में हमने, जिसके वीडियोस हम लाते रहेंगे, सो आप वो गलतियां ना करो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि शुड यू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक और नॉट। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा भी नहीं है कि पेनी स्टॉक मल्टीवेगर नहीं बन सकते, ऑफकोर्स बन सकते हैं। इनफैक्ट जो राकेश झुंझुनवाला है, जिसे हम बिग बुल कहते हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे ज्यादा फेमस इन्वेस्टर अगर कोई है तो वो राकेश झुंझुनवाला है, और उनकी जो सबसे फेवरेट कंपनी है और सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो जिस कंपनी ने उनको दिए है वो है टाइटन लिमिटेड। और टाइटन में राकेश झुंझुनवाला जी ने, जब ये टाइटन पेनी स्टॉक था तब इन्वेस्ट किया था अराउंड 5-6 रुपीज के प्राइस पे, एंड आज ये स्टॉक का प्राइस अराउंड 1000 रुपीज के आसपास चल रहा है। सो ऐसा भी नहीं है कि पेनी स्टॉक ब्लू चिप कंपनी बन नहीं सकता, बट द कंडीशन इज राकेश झुंझुनवाला जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि कंपनी कैसा करने वाली है, कंपनी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, और इनफैक्ट जब कंपनी का प्राइस 70 रुपीज से लिटरली 40 रुपए के पास आ गया था तब भी कंपनी के एक शेयर नहीं बेचे थे राकेश झुंझुनवाला जी ने। सो उनको ये कन्विक्शन था कि टाइटन अच्छा करेगी जब वो 4-5 रुपए के आसपास थी, और जब स्टॉक का प्राइस 70 रुपीज से 40 रुपीज तक भी आ गया था तब भी इनको वही सेम कन्विक्शन था कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा करेगी। सो इन शॉर्ट गाइस, अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, अगर कंपनी का फ्यूचर एस्पेक्ट अच्छा है, और अगर कंपनी में क्वालिटी है, सो कंपनी का साइज नहीं मैटर करता, भले वो कंपनी 500 करोड़ की हो, 5000 करोड़ की हो, या 5 लाख करोड़ की हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कन्विक्शन के लिए गाइस आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा ये कंपनी के बारे में, और क्योंकि पेनी स्टॉक्स बहुत छोटी कंपनी से रहती है तो इंटरनेट पे या फिर जो पब्लिक सोर्सेस है उस पे ये कंपनी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं होती, और इसी वजह से कम इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होने के कारण ये कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। सो एज अ कंक्लूजन गाइज, मुझे आपको बताना है कि स्टॉक मार्केट में 6000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, और अगर आपको स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो आपको सिर्फ 6 कंपनीज चाहिए, अच्छी कंपनीज चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड नाउ डिसीजन आप पे है कि ये जो 6 कंपनीज है, ये 6 कंपनीज आपको कैसी चुननी है। ये जो पेनी स्टॉक्स है, जो बेकार कंपनीज है, जिनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ पता नहीं है, जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो आप जिसमें पैसा डबल होगा या नहीं उसकी श्योरिटी तो नहीं है, बट अगर वो कंपनीज अच्छा नहीं की और अगर आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया तो ये कंपनीज आपके पैसे डूबा जरूर देगी, उसकी 100% गारंटी है। एंड इन ऑपोजिट आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप ऐसी 6 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनके प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जिन कंपनीज को आप समझते हो, जिन कंपनीज का मैनेजमेंट अच्छा हो, टैलेंटेड हो, ऑनेस्ट हो, और जिन कंपनीज के पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छे हो और जिनका फ्यूचर एस्पेक्ट भी अच्छा हो। एंड इन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको चैन की नींद भी आ सकती है, बिकॉज आपको कन्विक्शन है कि हाँ मैंने अपनी रिसर्च की अच्छे से, एंड सूनर और लेटर अगर कंपनीज अच्छा करेगी सो आने वाले फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस तो अच्छा कर ही देगा इवेंचुअली। ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इफ येस तो लाइक जरूर कर दो ये वीडियो को, और शेयर जरूर कर दो दूसरों की इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, दूसरे का नॉलेज बढ़ाने के लिए, और पेनी स्टॉक के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।
है।